सांप और नेवला एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं, और जब भी ये एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस खेल में कभी नेवला जीत जाता है तो कभी सांप। नेवला जब भी सांप पर हमला करता है तो वो सीधे उसके फन को निशाना बनाता है ताकि सांप उस पर अपना जहर ना उगल सके। नेवला लड़ाई के दौरान अपने फरों को काफ़ी सख्त कर लेता है जिससे वो सांप के प्रहार से बच जाता है। इसके अलावा नेवले के शरीर में ऐसे एंटीडोट होते हैं जो सांप के जहर की एक सीमित मात्रा को सहन कर सकते हैं। यही वजह है कि नेवला सांप के हमले से बच जाते हैं। इन दोनों जानवरों के बीच होने वाली लड़ाई में नेवला अक्सर बाजी मार जाता है और सांप को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। इस लड़ाई के दौरान जहां सांप अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर कई हमले भी करता है, लेकिन नेवले को कुछ नहीं होता। जबकि वही सांप यदि किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसकी मौत भी हो सकती है। अपनी गजब की फुर्ती से सांप के हमले से बचते रहता है। एक स्वस्थ नेवले की आयु 6 से 10 साल तक होती है। नेवले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नेवले की लंबाई 8 इंच से 26 इंच तक होती है। ये 6 से 18 इंच तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन 500 ग्राम से 5 किलो तक होता है। नेवले के शरीर पर सांप के जहर का बेहद कम असर होता है जिस कारण ये सांप को आसानी से मार देते हैं। के पंजे बहुत घातक होते हैं। कर हैरानी होगी कि नेवले सांप से कम जहरीले होते हैं। नेवले की 33 प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। नेवले पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जंगलों और मैदानों में भी मिल जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द ट्रूथ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।